Thank you.
Thank you.
देखिए, इनका नाम है असदुल अलिया वारफी नगर ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब, वो गरीब आजम साहब। इनका नाम असदुल अलिया वारफी नगर ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब 21वें ख्वाजा। आप हाँसी के रहने वाले, हरियाणा में जो हाँसी हैं वो शहर आप रहने वाले। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जो दिल्ली में है, आपके जो है अव्वल खलीफा है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के अव्वल खलीफा, उन्हीं के हुक्म से दखन की तरफ आप रवाना हुए। यहाँ आने के बाद में आपने जो 25 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, आपका वजू नहीं टूटा। 30 साल दाऊदी रोजे रखे हैं आप। 84 साल की उम्र में आपका पर्दा हुआ। पर्दा होने के बाद में कुछ दिनों के बाद कैद साली पड़ गया। हमारे पुरखों को खाने पीने के नाड़े पड़ गए। हमारे पुरखों ने इनसे इल्तिजा की कि आप हमें बाहर जाने की इजाज़त दो, हम बाहर जाएंगे, वहाँ से जाके आएंगे, आपकी खिदमत करेंगे। ये कह के चले गए। जाने के बाद में आपने बशारत में आके कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ होगा। बाजार पढ़ने के लिए जब आए, आने के बाद में सर वहाँ से जब आए, फजर पढ़ने के बाद में जब आप आए, आने के बाद में जो देखे तो यहाँ चार चार पाँच पाँच तोले की सलाखें बरामदा हुई, जिसको आप इस वक्त देख सकते हैं। ये चांदी चार चार पाँच पाँच तोले की सलाखें निकलती थी उस परेड में। इसको काटना, बाजार में लेके जाना, इसका लंगर बनाना, सामान लेके आना और सब मिलके खाना। इस तरह बारीक निकल रही है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, जो मीर खमरोदीन आसिफ जाऊवल ने इनाम दिए थे 12.5 गाँव, जो इनाम जमीन जागीर जो भी थी चला गया। बाद में क्या रहा, आप जैसे लोग आते हैं, गल्ले में डालते हैं नजराना, उसी के ऊपर कारोबार चलता है। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल करे। सब मेरे को अभी इतना ऐसे देखते
से कौन सी जगह से भाई? ये हैदराबाद के पहले निज़ाम नवाब मीर कमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह, फर्स्ट एम्परर ऑफ हैदराबाद। ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद की मज़ार आज़म शाह। और ये उनके दूसरे बेटे की मज़ार है और एक बेटी की मज़ार है। औरंगज़ेब साहब के पीरो मुर्शिद है। औरंगज़ेब साहब को जो तकलीफ था पूरा हिंदुस्तान में कहीं तकलीफ जोर नहीं है। औरंगज़ेब साहब उनके जमाने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर गए, उन्होंने तकलीफ वहाँ रखा, वहाँ से हुक्म हुआ 22 में ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के पास जाइए, आपकी तकलीफ वहाँ दूर होगी। औरंगज़ेब साहब वहाँ से यहाँ आए 22 में ख्वाजा के पास, देखा नहीं उनको, मदार पे हाथ रख के उनको पीर माना, उनकी तकलीफ दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसी जगह और कौन सी चाहिए, अपने लड़के को वसीयत किए कि मेरा इंतकाल अगर हिंदुस्तान में कहीं होगा मेरे पीर के खदमों में लाना। औरंगज़ेब साहब को अहमदनगर से उनके बेटे ने यहाँ ला के रखा, जो बेटा भी हमारे पास है, जो औरंगाबाद में बीबी मकबरा बनाया। ये 22वां ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह आखिरी चिश्ती है, इसलिए पहरान यहाँ रखा है। यहाँ पर हमारे पास सिजरा रखा है, यहाँ पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ खास मुस्तफ़ा का मुबारक है पहराहन, महबूब किबरिया का मुबारक है पैराहन, काबिले दरूद अदब के है मुकाम, नबियों के पेशवा का मुबारक है पैराहन। ये पैरान शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और ये तोहफा शबे मेराज का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज में अर्श मौला पहुँचे, ये तोहफा मिला आपने मेराज में पहना। ये शबे मेराज के तोहफे को आज तक 1400 साल हो गए, यहाँ तक कैसा आया है, हमारे पास ये सिजरा लगा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, हजरत अली को मिला, हसन बसरी को मिला, नीचे ऐसा चलते जाइए, फिर अपने पास हिंदुस्तान में आया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दिल्ली,
نظام الدین چشتی دلی تو خلد آباد، یہ زین الدین چشتی آخری چشتی ہے، اس لیے پہران نہیں آ رہا۔ یہ پہران کی زیارت کراتے ہم لوگ سال میں ایک ہی دن، عید میلاد النبی 12 تاریخ کو یہاں رکھ دیتے ہم لوگ پبلک کے لیے۔ پبلک آتی ہے 8 سے 10 لاکھ، پبلک حج کے جیسی زیارت کرتی ہے۔ آپ بھی آئیے ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ کو یہ پہران شریف کی زیارت ہوگی۔ بڑھا دیا، بول دیا میں نے، ہو گیا موبائل میں دے دے، ہاں لے رہے ہو لے، آپ آئیے عید میلاد کے دن بیٹھے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پہران شریف کی زیارت ہوگی۔ جیسے عرب لوگ جھپا پہنتے ہیں، جھپا ہے چاکلیٹی کلر ہے، یہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ پیسوں کا بولے اور ڈالنے کا ارے بولے ان کو تھوڑی بہت ڈالیں آ جاؤ ادھر بھائی صاحب آ گیا آ جاؤ ادھر آ جاؤ اور
दिख रहा है क्या? छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे, दिख रहे क्या? हाथ हिला रहा तो
परेशानी नहीं होती।